से पहले तो थोड़ा सा हंसी कंट्रोल करनी पड़ेगी। अबे YouTube में देखेंगे तो ये सारे हेलो कर दे। सोचा नहीं था कि मैं प्रसाद खाऊं। ये क्या हो रहा है? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई, आपने जैसा कि पिछले व्लॉग में सुना होगा कि मैंने बोला था कि हमें मम्मी जा रही है विकासपुरी दादी और के घर, तो भाई मैं भी रेडी हो गया। घर पे अभी कोई भी नहीं है, बस मेरी बहन है वो ऊपर है, वो नहीं जा रही, उसका वही प्रैक्टिकल वगैरह का काम था इस वजह से। तो भाई मैं भी हो गया रेडी, मैं भी अब जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है भाई 4:30 के आसपास और बाहर धूप भी देख लो, बाहर हो रही है धूप बहुत खतरनाक। तो भाई चलते हैं फटाफट, स्कूटी में जा रहा हूँ यहाँ से। भाई चार पाँच किलोमीटर होगा मैक्सिमम। तो ये हो गया भाई तुम्हारा भाई रेडी मस्त एकदम, चलते हैं फटाफट। और उधर है भाई सत्संग वगैरह है, जो गुरु जी का सत्संग होता है ना उधर, वो है। तो फटाफट चलते हैं। और ना उधर भाई मुझे सबसे पहले तो थोड़ा सा हंसी कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में अगर आपको पता हो तो हमें सबको अंकल आंटी बोलना पड़ता है, जो हमसे छोटे हैं उनको भी, जो हमसे बड़े हैं उनको भी, मतलब सबको अंकल आंटी बोलना पड़ता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा क्यों ना हो। एक बार मैं गया था फ्रेंड के वहाँ, तो भाई मुझे तब तो बहुत हंसी आई थी। तो अभी चलते, और वहाँ पे एक भाई भी आ रखा है मेरा, उसके साथ बैठ के तो वैसी हंसी आती रहती है, अर्चित नाम है उसके साथ बैठ के तो वैसी हंसी आती रहेगी, वो और हंस आएगा। तो उधर भाई हंसी कंट्रोल करनी पड़ेगी। बाकी मैं दिखाता हूँ भाई का सीन जैसा भी होता है। चाचा जी के लड़के का बर्थडे है, 1 साल का हुआ है अभी वो, तो उसका पहला बर्थडे है, वो सेलिब्रेट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं गाइस फटाफट और मिलते हैं आपको सीधा विकासपुरी में। हेलो, अबे यूट्यूब में देखेंगे तो ये सारे हेलो कर दे। चाची कह रही तू वीडियो बना रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हाँ ये बस लगाओ ना सही सा। एक बार उस पे YouTube पे डालो ना, अच्छा सा लगाओ ना थोड़ी सी। अंकल जी आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, अंकल जी छुपा रहे हो आप, ले जाते हैं। अंकल जी मजाक तो ना भाई, अपनी मम्मी को भी आंटी बोलना पड़ रहा है। आंटी अंकल बोलते हैं इधर, सत्संग भाई इधर चल रहा है। डांस देखो भाई, तू भी नाच भाई जाके, देखे शक्ल भी छुपा रहा है, तू भी नाच ना जाके। ये देखो भाई, ये प्यारे से बच्चे का बर्थडे है, इस प्यारे से बच्चे का, और इन प्यारे से बच्चे ये खोज इन्होंने करी है। टीवी पे लगा देता ना यार, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही, और कोई गाना लगा दे। भाई केक कट गया ऊपर, जो वो गुरुजी के सामने मैंने दिखाया आपको, हम दोनों गए थे भाई आंटी जी को छोड़ने, ये पता नहीं क्यों मुंह छुपाया जा रहा है। भाई हम दोनों गए थे आंटी को छोड़ने, यहाँ पे आस पड़ोस की आंटी है, उनको थोड़ा मतलब स्लो चल रही है, क्योंकि उनकी एज हो गई है ना, तो प्लेट पकड़ के नीचे ले जा पा रही थी प्रसाद की। अब हम भी चलते हैं ऊपर। ये कह रहा है सोचा नहीं था आंटी को ले जाना पड़ेगा। हर चीज में ये लगा रहा है, हम भी चलते हैं भाई ऊपर, दिखाता हूँ मैं कि क्या पर कैसे क्या प्रसाद मिलता है, हम भी प्रसाद खाते हैं, चलते हैं ऊपर। खाएगा भाई प्रसाद? तो सोचा नहीं था कि मैं प्रसाद खाऊंगा है। तो भाई खाना आ गया, मम्मी रायता लेके आ गई है। तो भाई ये ऐसा सा कुछ प्रसाद मिलता है गुरुजी के, उसमें क्या बोलते हैं, सत्संग में, गुरुजी के सत्संग में। बाकी ये हमारे चाचा जी, हेलो कर दो एक बार। भाई
इसको खाते हैं। और भाई ये रूल है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते। ऐसा रूल है ना भाई, रूल है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, पूरा साफ करके खाना पड़ेगा। हंसना थोड़ा सा, तुझे परफेक्शन तो सही है तेरी, थोड़ा सा तो हंस, ओए थोड़ा सा तो हंस, क्यों क्यों ये क्या हो रहा है, कैसे कर ले, ये किसके साथ कर रहे हैं, ये छोटी बेटी के साथ कर रहे हैं, इतनी छोटी बेटी है, ऐसे नहीं मुंह लाया पूरा इसका तेज की। साउंड इफेक्ट से बात समझ आएगा, ठीक है समझ गया। तो गाइस फाइनली हम आ गए थे अपने घर पे, और क्योंकि भाई उनके घर गेस्ट आ रहे थे तो मैं उनको छोड़ने गया, वहीं से मैं अपने घर आ गया। मम्मी पापा और ये आए थे बाद में। तो भाई अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30, और मैंने जैसे कि पिछले ब्लॉग में तुम्हें बताया कि 27 को मेरा बर्थडे है, तो मात्र आधा घंटा बचा है मेरे बर्थडे को। तो गाइस तुम्हारा ढेर सारा प्यार दे देना मुझे, बाकी माँ बापों का प्यार तो मुझे मिल ही रहा है। सीरियस माँ बाप क्यों है मेरे, ये देखो। तो गाइस मम्मी के साथ बैठ के करते हैं इस व्लॉग को एंड। अगर आपको ये व्लॉग, तो भाई मैंने एक क्लिप बना के इस व्लॉग को कर दिया था एंड, पर अभी बज चुके हैं 12 और मेरा आ चुका है बर्थडे। तो आप भी चाहो तो मुझे विश कर सकते हो। और क्यों मैं अब दोबारा क्लिप स्टार्ट करी, क्यों भाई नीचे मुझे बुला रही मम्मी, पर सच्ची में मुझे नहीं पता कि कुछ है या नहीं। मैं आ गया नीचे, ये चेक करो, हैप्पी बर्थडे टू यू अंशु, हैप्पी बर्थडे डियर अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो गाइस मम्मी के साथ बैठ के करते हैं इस ब्लॉग को एंड। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और एक ही बात फैला दो पूरी मार्केट में। ओके बाय।